कल की जो खबर आई है सारिया के सामने, उन्होंने भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोलती। लॉ एंड आर्डर के इन्ने बदतर हालात ने कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर प्रॉपर्टी डिवेलपर, हर डॉक्टर, हर क्लिनिक, हर वर्ग, हर दुकानदार तक फरौतियों के एक्सटोर्शन के मर्डर के फोन कॉल्स आ गए और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे से भगवंत मान जी सुते हुए। पंजाब च हालात लॉ एंड ऑर्डर के यह हो गए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को एक बुरी नज़र न देखा जाता है, इन्हों कोई सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रवैये नहीं है सरकार देख रही। जे बादल साहब की सरकार वेले एयरपोर्ट बने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनया, मजबूरत थोनों फिर जाके असलीयत दस दौ शिफ्ट करनी पैंती है क्योंकि नौ महीनों से तुम कुछ नहीं किया। पंजाब के जोड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन्होंने पंजाब की सरकार पर इस किस्म की बेविश्वासी हो गई है कि वह समझते हैं दे आर सेफर एंड बैटर इनवैसटिंग द मनी आउटसाइड पंजाब। पंजाब नू पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्टा ने इनवैसटमेंट पक्षों रिजैक्ट करता है, दे आर लुकिंग फॉर अदर एवन्यूज। ये बड़े खतरनाक सिक्के निकलने अगे पंजाब से नौकरी नहीं। मुख्यमंत्री साहब तो कहते सी मैं गोरे लिया, गोरे छोड़ो तुम अपने नौकरी दे दो, बड़ी प्राप्ति होगी। तो जो इंडस्ट्री चली गई तो नौकरी नहीं मिलनी, थोड़ा रेवन्यू डिग जाना। रेवन्यू डिग गया थोड़े तो कोई स्कीम नहीं चलनी, थोड़े खर्चे नहीं निकलने क्योंकि ये टैक्स पेयर्स ने। सीनियर अकाली आगू बिक्रम मजीठिया ने सूबे च अमन कानून की स्थिति से सवाल चुके ने। मजीठिया का कहना है कि सूबे च अमन कानून की स्थिति अजिही है कि कोई भी उद्योगपति पंजाब दे विच उद्योग नहीं लाना चाहता। कल की जो खबर आई है सारिया के सामने, उन्होंने भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोलती। एक पासे पंजाब के लोगों के खजाने की लुट भगवंत मान जी कर रहे हैं कि वह वख वख सूबों कदे तमिलनाडु कदे तेलंगाना वख वख सूबों से जा रहे हैं और उत्थे इंडस्ट्रियलिस्टा नू कह रहे हैं कि तुसी पंजाब च आके अपना पूंजी निवेश करो कि इनवैसट करो पंजाब च आके। मगर असलीयत की है पंजाब की पिछले अठ महीनों की लॉ एंड आर्डर के इन्ने बदतर हालात ने कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर प्रॉपर्टी डिवेलपर, हर डॉक्टर, हर क्लिनिक, हर वर्ग, हर दुकानदार तक फरौतियों के एक्सटोर्शन के मर्डर के फोन कॉल्स आ गए और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे से भगवंत मान जी सुते हुए हैं। ये कला ते कला कदे गुजरात च ब्रेक डांस करते दिसते हैं, कदे हिमाचल च दिसते हैं और ये जाके दूजे सूबे च सरकारी पैसा उजाड़ रहे हैं, सरकारी इश्तिहार दूजे सूबे च जाके दे रहे कि पंजाब के हालात बहुत चंगे। मगर पंजाब के असल हालात की ने, यह पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्टा ने कल जाके जद योगी साहब न यूपी के चीफ मिनिस्टर नाल मीटिंग की और मीटिंग करने तो बाद योगी सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और जो उन्होंने इनसेंटिव ने उन्होंने हाफक्की अंकारा दिता। एक तो एक गल स्पष्ट हो गई कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार अठ नौ महीनों च कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बना सकी है। पंजाब च हालात लॉ एंड ऑर्डर के यह हो गए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को एक बुरी नज़र न देखा जाता है, इन्हों कोई सोसायटी के लिए पॉजिटिव रवैये नहीं है सरकार वेख रही, माड़ी निगाह उन्होंने वेख रही है और यही रिजल्ट है कि पंजाब के जोड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन्होंने पंजाब की सरकार पर इस किस्म की बेविश्वासी हो गई है कि वह समझते हैं दे आर सेफर एंड बैटर इनवैसटिंग द मनी आउटसाइड पंजाब एंड दिस इज द ट्रू पिक्चर। इसे करके पंजाब नू पंजाब दे इंडस्ट्रियलिस्टा ने इनवैसटमेंट पक्षों रिजैक्ट करता है, दे आर लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज। ये बड़े खतरनाक सिक्के निकलने अगे पंजाब च नौकरी नहीं। मुख्यमंत्री साहब तो कहते सी मैं गोरे लिया, गोरे छोड़ो तुम अपने नौकरी दे दो, बड़ी प्राप्ति होगी। तो जो इंडस्ट्री चली गई तो नौकरी नहीं मिलनी, थोड़ा रेवन्यू डिग जाना। रेवन्यू डिग गया थोड़े तो कोई स्कीम नहीं चलनी, थोड़े खर्चे नहीं निकलने क्योंकि ये टैक्स पेयर्स ने, यो लोग ने जिहड़े नौकरी भी देंदे इंडस्ट्रियलिस्ट साढ़े ते टैक्स भी देंदे है। और जिवें थोड़ी बीएमडब्ल्यू की पोल खोली कि बीएमडब्ल्यू आ रही सी, बीएमडब्ल्यू वाले ने करता कि नहीं, एक तुसी होर प्लांट
इनोगरेट किया है। मैं लगता वह नौ वर्बो है उन्होंने थोड़ी पोल खोल दी कि प्लांट तो चलते न पहला तो दो साल का चलिया कैप्टन साहब की सरकार वेले का चल पाया। जो तुसी जाके दूजे सूबे च कह रहे हो इत्थे रह के कहने हो भगवंत मान जी कि पंजाब के हालात कोई नहीं ते जदो जाने हो जर्मनी या जदो जाने हो तमिलनाडु तेलंगाना उदो फिर जिहड़े बादल साहब की सरकार वेले एयरपोर्ट बने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनिया मजबूरन थोनों उदी फिर जाके असलीयत दसदे हो सिफ्ट करनी पैंदी है क्योंकि नौ महीनों से तुसी कुछ नहीं किया। गेट योर एक्ट टूगैदर डोंट ट्राई एंड चीट पीपल ऑफ पंजाब। जब पंजाब के लोगों ना चीट कर रहे हो तुसी अपने आप नूं चीट कर रहे हो धरो कमा रहे हो। सो मैं आस करूंगा उम्मीद करूंगा कि पंजाब के हालात ठीक करोगे पंजाब लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाओगे सो दैट इंडस्ट्री स्टेज इन पंजाब एंड डजंट रन। दस दी कि सूबे च लगातार वापरियां घटनावां ने विरोधियों नूं बोलन दा मौका दे दिता है। विरोधी लगातार सूबा सरकार नूं घेर रहे ने। हुण देखना होवेगा कि आम आदमी पार्टी दे आगू बिक्रम मजीठिया नूं की जवाब दिंदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानूं रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।